लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क का सिलसिला युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागलपुर के गोराडी प्रखंड स्थित मुक्तापुर में चुनावी जनसभा है, वहीं मंगलवार 23 अप्रैल को भागलपुर लोकसभा चुनाव में NDA के जदयू प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोड शो किया जाना है। इसको लेकर रविवार को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह भागलपुर लोकसभा के चुनाव प्रभारी सुनील कुमार ने 0 माइल स्थित एक विवाह भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को साझा किया। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि NDA के सभी घटक दल एकजुट होकर देश के साथ भागलपुर में भी NDA प्रत्याशी की जीत के लिए लोगों के बीच जाकर सरकार और स्थानीय सांसद की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, जबकि 23 अप्रैल को भागलपुर में मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और NDA प्रत्याशी अजय मंडल को इसका फायदा मिलेगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाई जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके प्रत्याशी को जिले के सभी इलाकों में हर वर्ग और हर जाति का समर्थन मिल रहा है और NDA के पांचों दलों के कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संयुक्त चुनाव प्रचार से अजय मंडल दूसरी बार बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल और भागलपुर के निवर्तमान सांसद के पिछले 5 वर्षों में जिले में हुए कई विकास कार्यों की जानकारी देते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके अलावा लोकसभा चुनाव प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि मंगलवार को शहर में मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर NDA कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को तिलका मांझी से रोड शो की शुरुआत होगी, जो घंटाघर चौक, पटल बाबू रोड, स्टेशन चौक और कोतवाली चौक, आदमपुर चौक होते हुए पुनः तिलका मांझी चौक पहुंचकर संपन्न होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू लोकसभा सह प्रभारी प्रहलाद सरकार, जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, जदयू IT सेल के संयोजक रवीश रवि, महासचिव प्रदीप कुशवाहा और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं, यहाँ मतदान मात्र कुछ दिन रह गए हैं और यहाँ के चुनाव प्रभारी के रूप में हम काफ़ी लंबे समय से कई क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हमारी जो समझ है कि इस चुनाव में NDA के समर्थित उम्मीदवार अजय मंडल जी जो अपना चुनाव तीर छाप पर लड़ रहे हैं, उनकी जीत भारी मतों से होगी। हमने पाया है कि समाज के हर वर्ग में उनका समर्थन है और हम लोगों ने सभी वर्गों से अपील की है कि अपना बहुमूल्य मतदान हमारे उम्मीदवार अजय मंडल जी को तीर छाप पर दें, ताकि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत हों और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत हों। वैसे भी अगर आप देखेंगे तीनों दृष्टिकोण से, केंद्र की दृष्टिकोण से, राज्य की दृष्टिकोण से और उम्मीदवार अजय मंडल जी के व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, तो उसमें NDA खरा उतरता है। भागलपुर जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और तेज चिलचिलाती धूप को देखते हुए जिले में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। DM के द्वारा जारी किए गए पत्र में भीषण गर्मी और तेज धूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना जताते हुए जिले के सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी में पठन पाठन की अवधि सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक करने का निर्देश दिया गया है, जबकि दिन के 11 बजे
से शाम के 4 बजे तक कक्षा संचालन नहीं करने का निर्देश डीएम द्वारा दिया गया है। वहीं जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ICDS, सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम समन्वयक और सभी स्कूल के प्राचार्य को जिलाधिकारी के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत डीएम द्वारा जारी किया गया यह आदेश सोमवार 22 अप्रैल से भागलपुर जिले की सीमाओं में प्रभावी होगा। बता दें कि गर्मी और तेज तपिश वाली धूप से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और तेज धूप के साथ चलने वाली तेज गर्म हवाओं के कारण बच्चों के साथ सभी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने लगा है, जबकि इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने रविवार को यह आदेश जारी किया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की 2623वीं जयंती के अवसर पर रविवार को भागलपुर के कोतवाली चौक के समीप स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। महावीर जयंती महोत्सव को लेकर जैन समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हाथों में पताका लेकर श्रद्धालु बैंड बाजे और झांकियों के साथ भ्रमण करते दिखे। वहीं श्वेत वस्त्र में पुरुष और पीले रंग की साड़ियों में महिलाओं के साथ युवक युवतियों और बच्चों ने शोभा यात्रा में शामिल होकर भजन स्तुति गाते हुए भगवान महावीर को नमन किया। साथ ही जैन परिषद के नवयुवकों और तमाम श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। हाथों में भगवान महावीर के संदेशों वाली तख्तियां और बैनर लिए जैन समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती महोत्सव मनाया। इस दौरान विशाल रथ पर विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा की जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने दीप सजी थाली से आरती उतार कर पूजन किया और पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा कोतवाली चौक से RP रोड, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक होते हुए पुनः कोतवाली चौक जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, अहिंसा से योगी सादा जीवन, मानव जीवन का श्रृंगार, अपरिग्रह अपनाए, दुनिया को खुशहाल बनाए जैसे कई तरह का जयकारा भी लगाया। इसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें भारी संख्या में जैन समाज समेत कई अन्य श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लेकर भगवान महावीर को नमन करते हुए अहिंसा और विश्व शांति की कामना की। वहीं दिगंबर जैन मंदिर कोतवाली चौक में भगवान महावीर का 108 कलशों से जन्म उत्सव, महाभिषेक और विश्व कल्याण शांति धारा की गई, जिसके बाद सामूहिक मंगल आरती की गई। इधर सिद्ध क्षेत्र के मंत्री सुनील जैन ने सभी को महावीर जयंती की बधाई देते हुए कहा कि दूसरों को खुशी देना ही धर्म है। मौके पर गोपाल जैन, विजय रारा, पदम पाटनी, प्रकाश वड़जत्या और जय कुमार काला समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके अलावा श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में भी भगवान महावीर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। शराब तस्करी के एक मामले में भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 ADJ 12 की अदालत ने शनिवार को उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाए गए 6 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसको लेकर भागलपुर उत्पाद कोर्ट के स्पेशल PP भोला कुमार मंडल ने बताया कि नवगछिया थाना कांड संख्या 251 2023 में विशेष उत्पाद के वाद में विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 ने मुकदमे की सुनवाई पूरी की, जिसके बाद अभियुक्त गुड्डू पासवान, पिंटू कुमार, गोपाल कुमार, राकेश कुमार यादव, लोकनाथ कुमार और अमित कुमार सिंह को दोषी करार दिया, जबकि शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। साथ ही विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3-3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बताया जा रहा है कि नवगछिया टोल प्लाजा से पश्चिम की ओर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान टोल प्लाजा पेट्रोल पंप के समीप बंगाल के नंबर वाली 2 कार को रोककर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें टीम को 105 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस द्वारा शराब को जब्त कर दोनों कार सवार समेत 6 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और उत्पाद कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया गया। उन्होंने बताया कि 30A में दोषी पाते हुए अभियुक्तों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन और संजीव शर्मा मौजूद थे। थाना अकाउंट संख्या 251-23 30A में केस दर्ज हुई। 2 कार आ रही थी, बंगाल की गाड़ी का नंबर लगा हुआ था
टोल प्लाजा के पास पेट्रोल पंप के नज़दीक दोनों को वाहन चेकिंग के दौरान रोका गया और दोनों गाड़ी से काफ़ी मात्रा में 105 लीटर से ऊपर शराब मिला और जिसमें आज उत्पाद को 2 और 12 ADJ भागलपुर के यहाँ सजा सुनाई गई, जिसमें 30A में दोषी माना गया था 9 तारीख को और आज उसमें सजा सुनाई गई। 5 वर्ष की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा।